हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मोबाइल से भूले पे खसरा खतौनी कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल गूगल ओपन कर लेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे भूलेख, एंटर कर देंगे। अब आपके सामने देखिए, जो पहला पेज खुला उसमें भूलेख हिंदी इंग्लिश में लिखा है, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर सबसे पहले जनपद चुनना है, तहसील चुनना है, फिर ग्राम चुनना है। तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन होता है गूगल ट्रांसलेट का, वहाँ से वो अपने आप हो जाएगा। मेरा ज़िला जो है वो खीरी है, तो मैं इसको हिंदी में करूँगा। पहले हिंदी में कर दिया, अब मैं इसमें खीरी ज़िला ढूँढ लूँगा और खीरी क्लिक कर दूँगा। अपनी तहसील यानी लखीमपुर खीरी, उस पर क्लिक कर दूँगा। फिर जो भी गांव आपको ढूंढना है और जिस अक्षर से आपके गांव का नाम है, वहां पे आप वो अक्षर जो है दबा देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे मेरे गांव का नाम दा से है, तो मैं दा दबा दूंगा और यहां पे गांव का नाम सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहां पे आपको तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ खाता संख्या से सर्च है, खाता संख्या से सर्च है, खातेदार के नाम द्वारा सर्च है, और नामांकन दिनांक यानी रजिस्ट्रेशन डेट। तो सिंपल सब मैं ट्राई करता हूँ। पहले आपको खाता संख्या, चलिए खाता संख्या नहीं, खाता संख्या ही, खाता संख्या से खातेदार के नाम से सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें नाम फिल कर दिया है और खोजें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया, जो नाम है उस पर टिक कर देंगे और उद्धरण देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके आगे क्लिक करते ही आपके सामने एक कैप्चा आएगा। ये कैप्चा आप स्मॉल कैपिटल दोनों में भर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और देखिए, ये खतौनी आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गई। इसको आप PDF में लिखवा सकते हैं, कंट्रोल पी करके प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये आपकी हर जगह मान्य भी होती है। देख सकते हैं आपके सामने पूरी डिटेल है, कब कब कौन सा आदेश हुआ ये भी लिखा हुआ है। खाता संख्या, खाता संख्या और लाभार्थियों के नाम, सबके नाम भी लिखे हुए हैं, पूरी डिटेल आपके जो है खाता विवरण की। चलिए बैक करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि खाता संख्या से कैसे सर्च करेंगे आप अपनी ज़मीन। तो फिर से उसी तरह से गूगल पे आके भूलेख पे जाएंगे। सिंपल, ये आपको नहीं करना, मेरा तो ज़्यादा बैक हो गया था। सिंपल सा हमको फिर से अपना ज़िला सर्च करना है, खीरी तहसील लखीमपुर पे जाते हैं और जो गांव का नाम है उस गांव के नाम पे, ये हिंदी कर दिया, और उस गांव के नाम पे क्लिक करेंगे उस अक्षर पे और गांव का नाम आ जाएगा। गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और वहां पे जो लिखा था 129, हम वो प्रेस कर लेंगे। यहाँ जो फिजिकल कीबोर्ड स्क्रीन पर ही दिख रहा है, खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उद्धरण देखें ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से वही प्रोसेस है, आपके सामने कैप्चा डालना, आप इसको कैपिटल या स्मॉल दोनों में टाइप कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा है, आपके सामने वही खतौनी फिर से खुल के आ गई, यानी कि आप खाता संख्या, घाटा संख्या या खाता धारक के नाम से दोनों तरह से आप अपना सर्च कर सकते हैं। आपके सामने डिटेल मौजूद है, आप इसको जहाँ चाहिए, जैसे आपकी सोसाइटी हो गई या काम में आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।